नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव उपचुनाव का ऐलान किया है, उसी तर्ज पर केरल की वायनाड सीट पर भी 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होने वाला है। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए राहुल गांधी ने वायनाड सीट पर 7,64,000 से अधिक वोट हासिल किए। 3,64,000 से अधिक वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई। उन्होंने यहां सीपीआईएम के नेता एनी राजा को चुनावी मैदान में पटखनी दी, लेकिन चुनौती कांग्रेस के लिए यह बन चुकी थी क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ा। ऐसे में राहुल गांधी ने फैसला किया कि वह वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। अब वायनाड सीट पर उपचुनाव होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने काफी वक्त पहले ही प्रियंका गांधी के नाम पर मोहर लगा दी कि वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी चुनावी प्रत्याशी होंगी। ऐसे में प्रियंका गांधी लोकसभा का अपना पहला चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर सुरक्षित सीट को लेकर के पहले से चिंतित थी और अब वायनाड सीट एक सुरक्षित किला कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रहा है, जहां से प्रियंका गांधी की ताजपोशी होनी तय हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरे स्थान पर रही थी, 1,41,000 के करीब वोट बीजेपी के सुरेंद्रन को यहां पर वायनाड सीट से मिले थे। आखिरकार किस तरीके से यहां पर चुनावी पटखनी देने के लिए रणनीतियां तैयार करेगी, क्योंकि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी, जो कि उस वक्त की तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती पेश की थी। किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से अधिक वोटों से मात दी और उसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। अब स्मृति ईरानी को बीजेपी क्या वायनाड सीट पर चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां करेंगी, क्योंकि पिछले वक्त जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने उन्हें चुनौती दी और इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रियंका गांधी के खिलाफ यदि स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने का मादा रखती है तो वायनाड सीट पर आए और मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। देखना ये होगा कि मोदी शाह की जोड़ी अब किस तरीके से रणनीतियां बनाती हुई नजर आती है। क्या कांग्रेस पार्टी वायनाड का मजबूत किला बचा पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने में कामयाब होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।